हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारा देश भारत एक भक्ति प्रधान देश है। यहाँ के हर एक प्रांत में कोई न कोई सुप्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल अवश्य है, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहाँ हर शहर में दो चार लोकप्रिय और प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सुप्रसिद्ध मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है सुप्रसिद्ध शिकारी माता का मंदिर। भक्तों, शिकारी देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में स्थित है। ये जिला हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। इस जिले का नाम एक ऋषि मनु ऋषि के नाम पर पड़ा है। मंडी जिले के बारे में ये कहा जाता है कि ये शहर व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। मंडी जिला व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है और इस शहर में कई रमणीय स्थल भी हैं। मंडी अपने आप में समृद्ध शहर माना जाता है। मंडी जिला का सबसे प्रसिद्ध स्थल इंदिरा मार्केट है। भक्तों, शिकारी माता मंदिर मंडी जिले के जंजहैली से लगभग 18 किलोमीटर दूर चौहार घाटी में एक सर्वोच्च शिखर पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3,359 मीटर यानी 11,000 फीट है। इसलिए इसे मंडी का क्राउन भी कहा जाता है। एक तरफ ये मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़े रहस्य का विषय है कि आखिर आज तक कोई इस मंदिर की छत क्यों नहीं बनवा पाया। भक्तों, शिकारी देवी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मार्कंडेय ऋषि ने बहुत सालों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वतः प्रकट होकर विराजमान हो गई। कालांतर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान शिकारी देवी के मंदिर का निर्माण किया था। कहते हैं कि जब पांडवों और कौरवों के बीच में जुए का खेल चल रहा था, तब एक औरत ने उनको जुआ खेलने से मना किया था, लेकिन होनी को टाला नहीं जा सका और जुआ खेलने के फलस्वरूप पांडवों को अपना महल और राजपाट छोड़कर निर्वासित होना पड़ा। पांडवों ने अपने निर्वासन का कुछ समय शिकारी देवी मंदिर के पास भी बिताया था। एक दिन पांचों भाइयों ने यहां एक सुंदर मृग देखा तो उन्होंने उसका आखेट करना चाहा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो मृग अचानक गायब हो गया। पांचों भाई इस बात को लेकर काफी आश्चर्यचकित थे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, पांडवों, मैं आदिशक्ति दुर्गा हूं। मैंने तुम्हें जुआ खेलने से मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने और इसलिए आज वनवास भोग रहे हो। तब पांडवों ने उस अदृश्य शक्ति से क्षमा प्रार्थना की। पांडवों की क्षमा प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें बताया कि मैं विग्रह स्वरूप में इस पर्वत पर विराजमान हूं। तुम मंदिर बनवाओ और उसमें हमारे विग्रह को प्रतिष्ठित करवाओ तो तुम्हें अपना राजपाट वापस मिल जाएगा। पांडवों ने आकाशवाणी को आत्मसात कर देवी की मूर्ति खोज निकाली और एक चबूतरा बनाकर देवी की मूर्ति को विधि विधान से प्रतिष्ठित कर दिया। चूंकि पांडवों के समक्ष देवी मायावी शिकार मृग के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए देवी का नाम शिकारी देवी और पर्वत का नाम शिकारी पर्वत पड़ गया। इस मंदिर में चबूतरे के बीचों बीच माता शिकारी देवी की मूर्ति विराजमान है। शिकारी माता की मूर्ति के अलावा यहाँ कमरू नाग देवता की मूर्ति भी स्थापित है। एक पौराणिक कथा ये भी है कि यहाँ पांडवों ने भी तपस्या की थी। इनकी तपस्या से भी माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई थी और माँ दुर्गा ने पांडवों को कौरवों के विरुद्ध युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया था। पांडवों ने यहाँ एक चबूतरे का निर्माण किया और देवी के विग्रह को प्रतिष्ठित तो किया, लेकिन माँ शिकारी देवी का मंदिर पूरा नहीं कर पाए और चले गए। तब से ये मंदिर उसी अवस्था में है। भक्तों, कहा जाता है कि माँ शिकारी देवी मंदिर के ऊपर से ना तो पक्षी उड़ पाते हैं
और ना ही कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज यहां से गुजर पाता है। मंदिर में हर साल बहुत बर्फ गिरती है। पूरा क्षेत्र बर्फ से कई फीट तक ढका होता है, लेकिन मां के इस मंदिर के आसपास या मंदिर पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती। भक्तों कहा जाता है कि शिकारी माता के द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी के चमत्कारों के कारण इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच गई। हर दिन हजारों लोग दूर दूर से चलकर इनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों का मन मोह लेती है। भक्तों, इस मंदिर के प्रति लोगों को ऐसी मान्यता है कि आंखों की बीमारी होने पर अगर आंखों का रोगी शिकारी देवी को चांदी अथवा सोने की बनावटी आंखें समर्पित करता है तो आंखों की बीमारी ठीक हो जाती है। हर साल लाखों लोग आंखें ठीक होने पर शिकारी माता को चांदी की आंखें चढ़ाते हैं। भक्तों, यों तो शिकारी माता मंदिर में सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास और उत्सवपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, लेकिन बसंत और शरद दोनों ही नवरात्रियों में यहाँ का दृश्य बड़ा ही सुहावन और मनभावन होता है। इस अवसर पर माता की विशेष पूजा पाठ के साथ साथ कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में यहाँ भव्य व विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रियों में यहाँ पूरे विश्व से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, वैसे तो माँ शिकारी देवी का ये मंदिर हमेशा खुला रहता है, लेकिन शिकारी देवी मंदिर आने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम है। बर्फबारी में माता शिकारी देवी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से शिकारी देवी मंदिर के कपाट लगभग 3 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए यहां आने के लिए सबसे अच्छा मौसम गर्मियों का ही है। भक्तों, अगर मंदिर आते समय स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो रही है तो मंदिर के पास हॉस्पिटल में अपनी जांच करवा सकते हैं। भक्तों, माता शिकारी देवी मंदिर के पास जंजहैली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। अगर आपको होटल में रुकना है तो शिकारी देवी मंदिर के आसपास बहुत से अच्छे और किफायती होटल्स भी हैं, जहां आप अपने बजट में भोजन और आवास की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप माँ शिकारी देवी के दर्शन को जा रहे हैं तो पंडोह डैम, रिवालसर झील, त्रिलोकनाथ शिव मंदिर, भूतनाथ मंदिर, श्यामा काली मंदिर, सुंदरनगर, अर्धनारीश्वर मंदिर, तत्तापानी, बरोट और पराशर आदि की यात्रा अवश्य करें। भक्तों, शिकारी देवी मंदिर देश विदेश के यात्रियों और पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। रोजाना सैकड़ों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। यद्यपि यहां के लिए रेल और विमान की सुविधा नहीं है, फिर भी यहां पहुंचने के लिए वायु, रेल और सड़क तीनों ही मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। भक्तों, अगर आप माँ शिकारी देवी मंदिर के लिए हवाई यात्रा करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा कुल्लू के भुंतर में है, जो मंडी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए प्रतिदिन कुछ सीमित ही उड़ाने हैं। हवाई अड्डे से आप बस या टैक्सी की सहायता से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप माँ शिकारी देवी मंदिर रेल यात्रा करके पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, जो मंडी से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। जोगिंदर नगर से शिकारी देवी मंदिर पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी का इस्तेमाल करना होगा। भक्तों, अगर आपने माँ शिकारी देवी मंदिर पहुंचने का मन सड़क यात्रा के माध्यम से बनाया हुआ है और आप सुंदर नगर की ओर से आ रहे हैं तो आपको 94 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मंडी से जंजहली बस स्टैंड तक की दूरी लगभग 86 किलोमीटर है। किसी भी वाहन और बस द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता छतरी होते हुए है, जो 106 किलोमीटर का है। यहां से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 मात्र 35 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचा जा सकता है।
भक्तों, अगर आप मां शिकारी देवी के पावन धाम का भ्रमण करना चाहते हैं, मां की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने मन मुताबिक साधन का चयन कीजिए और अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। भक्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।